शराब की लत बुरी ही नहीं जानलेवा भी है। शराब से आपकी जान तो जा ही सकती है, आप किसी की जान लेने से भी नहीं हिच सकते। कुछ ऐसा ही वाक्य पलामू जिले के सतबरवा में घटित हुआ, जब शराब पीने के दौरान पैसे के लेन देन में हुई झंझट में बात इतनी बढ़ गई कि शराब बेचने वाली महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला सतबरवा थाना क्षेत्र के बदलाया टोला का है, जहाँ अपराधियों ने रात में घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में सतबरवा पुलिस की त्वरित कार्रवाई भी काबिले तारीफ है। महज 18 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया है। पूरे मामले का खुलासा सतबरवा थाना प्रभारी करमपाल नाग ने किया है। उन्होंने बताया कि महिला महुआ का अवैध शराब गांव में बेचा करती थी। उसके घर पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग शराब पीने भी आया करते थे। इसी दौरान महिला के साथ एक दिन पैसों को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। बदलाया टोला के अकलू भुइयां की 35 वर्षीय पत्नी दुखनी देवी को उसी के घर में घुसकर सोते समय कनपट्टी में सटाकर गोली मार दी गई, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस जोर शोर से कर रही है। सबसे पहली बात है, रात को 1:30-2 बजे के बीच हमको फोन आता है कि एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते साथ जो है घटनास्थल पर सुरक्षा बलों के साथ गए, जांच पड़ताल की और स्थानीय ग्रामीण जो जो वहाँ जुटे थे उससे पूछे, पूछताछ में पता चला उस रात को लगभग 8:30 बजे दो लड़के का इस महिला के साथ मृतिका के साथ विवाद हो गया था कुछ पैसे लेन देन को लेकर। बाद में फिर गोली मारते वक्त कोई देखा नहीं था। वो लड़का नागेंद्र भुइयां पिता स्वर्गीय सुरेश भुइयां उसको आकर गोली मार देता है। छोटू कुमार उसके सारी जानकारी थी और वो इस घटना में संलिप्त था एवं उसकी जो अभी लिविंग रिलेशनशिप में जो महिला रहती थी संगीता देवी उसको भी इस घटना का पूरा जानकारी था। और संगीता देवी और छोटू कुमार का निशानदेही में ही इस घटना में प्रयुक्त जो हथियार है देसी कट्टा एक बरामद हुआ है, जिसके आधार पर छोटू कुमार और संगीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नागेंद्र भुइयां के खिलाफ लगातार छापेमारी किया जा रहा है और बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।